तीन अतिथि का बेल पत्र। अब इस वृक्ष में, इस पौधे में अगर चार पत्ती का मिल जाए, पांच पत्ती का मिल जाए, किसी किसको मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता हुआ, किसी को छह पत्ती मिल जाए, किसी को सात पत्ती मिल जाए, तो फिर समझ लो कि आज मेरे को चार पत्ती के रूप में सती माँ मिल गई है, पांच पत्ती के रूप में मुझे उमा माता मिल गई है, छह पत्ती के रूप में मुझे माँ कात्यायनी प्राप्त हो गई है, नौ पत्ती के रूप में मेरी नौ देवियां प्रकट हो गई है। यहाँ तक शिव महापुराण कहती है कि बेलपत्री की तीन पत्ती के वृक्ष में पावन पत्ती तक का भी पौधा देवी प्रकट कर देती है। तो किसी पार्वती का जो जन्म है वो 52 नंबर का है, 52 नंबर का। इससे पहले माता पार्वती के 51 जन्म हो चुके थे, माता पार्वती 51 बार प्रकट हो चुकी थी। शिवजी के गले में जो मुंडों की माला है वो 51 मुंड की माला है। तीन पत्ती का बेल पत्र का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। कितने पत्ती का जम के बोलो जरा, तीन पत्ती का, चार पत्ती का बेल पत्र माता सती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, ध्यान रखिएगा जरा, पांच पत्ती का बेल पत्र माता उमा के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, छह पत्ती का बेलपत्र कात्यायनी के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। बेलपत्री के वृक्ष में पांच पत्ती, चार पत्ती, छह पत्ती, सात पत्ती, ग्यारह पत्ती, आठ पत्ती का कोई बेलपत्र यदि आपको मिलता है तो आप भाग्यशाली हैं कि तीन पत्ती के पेड़ में पांच पत्ती का बेलपत्र मिलना कठिन है। कहीं कहीं ऐसे पेड़ पेड़ होते हैं जिसमें छह छह पत्ती लगती है, कहीं में सात सात लगती है, किसी में आठ आठ लगती है, पर मूल वो है तीन पत्ती के बेलपत्र में पांच पत्ती मिलना चाहिए। तीन पत्ती का जो बेलपत्र का वृक्ष है उसमें चार पत्ती मिलना चाहिए, तीन पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष में छह पत्ती मिलना चाहिए, तीन पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष में आठ पत्ती मिलना चाहिए, मूल वो है। कई लोग कहते हैं छह पत्ती का बेलपत्र का वृक्ष लगा लिया, उसमें छह पत्ती लगे, वो बात अलग है, पर तीन पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष में जब चार पत्ती मिले, पांच पत्ती मिले, छह पत्ती मिले, मतलब तीन पत्ती का जो बेलपत्र का वृक्ष है वो माता पार्वती जी के अश्रु का है। पार्वती जी के ही उस पौधे में जब उमा, सती, कात्यायनी इनका पत्ता प्राप्त होता है तब वो जीवन को सुख प्रदान कर देता है उस पत्ते के। और हम कितने चतुर हैं, किसी ने कह दिया छह पत्ती का पौधा है तो उन्होंने कहा हमको छह पत्ती का दो दो दो, किसी ने कहा सात पत्ती का बेलपत्र वाला पौधा, सात पत्ती का बेलपत्र का पौधा दे दो। कहीं आजकल तो ये नर्सरी वाले ऐसा पेड़ पौधे में कट लगाकर जैसा पौधा उनको जन्म देना है, पैदा करना है, उत्पन्न करना है, पांच पत्ती का, छह पत्ती का, सात पत्ती का पैदा कर सकते हैं। शास्त्र की रीति करती है तीन पत्ती के पौधे में जब चार पत्ती, पांच पत्ती, छह पत्ती, सात पत्ती जब मिलती है तो वो कुंड मिल जाए। ये क्रास्तर कट बनाई हुई नहीं।